गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने क्रिएट किया है ट्रेडिशनल मेकअप लुक और ये आप किसी फेस्टिवल में वेयर कर सकते हैं। और अभी ये मकर संक्रांति आने वाला है तो आप उसमें भी इस लुक को कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के ऊपर जो मैरिड वुमेन होती है उनके ऊपर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल कर दूंगी और मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज पहले से कर लिया है तो मैं अभी अपने आईब्रोज की शेप के अकॉर्डिंग अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर और अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ओलिविया का पेन स्टिक में से उसको अपने फिंगर की टिप्स की हेल्प से अपने आई लिड को तैयार कर रही हूँ मेकअप करने के लिए एंड कोई भी आई शेडो अप्लाई करने के लिए ताकि उसका पिगमेंटेशन अच्छा आए और उभर के आए जो कि कलर में अप्लाई करूँ अपने आई लिड के ऊपर। फिर मैं इसी पर्पल के कॉम्पैक्ट से अपने बेस को सेट कर लूँगी ताकि कोई भी कलर मैं लगाऊँ तो उसके ऊपर ये हिले ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का शेड लेके एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज लाइन को फोकस करते हुए मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर एंड क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है शिमर, ये है गोल्डन, ये 25 रुपीज़ में लोकल मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा तो उसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने आई लिड के ऊपर प्लेस कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक टपल ब्रश लिया है और अपने क्रीज लाइन को फिर से डिफाइन करने के लिए अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने उसी एलोवेरा के पेन स्टिक को अपने पूरे फेस में एज अ बेस मैं अप्लाई करने वाली हूँ और मैं अपने फेस पर अच्छी तरह से ड्राइंग कर लूँगी। उसके बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस को डैप डैप करके अपनी स्किन में इसको अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर देना है एंड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं इसी पेन स्टिक से हाइलाइटिंग पॉइंट पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी और फिर मैं उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया जेल आईलाइनर और मैं इससे लाइनर ड्रॉ करूँगी और बिल्कुल हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल छोटा सा एकदम जो दिखे भी ना, मतलब एकदम लाइटली मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का काजल और उसको अपने वाटर लाइन के ऊपर एंड अपर वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने उसी स्टेपल ब्रश की हेल्प से अपने काजल के नीचे स्मच कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया ब्लशर और ये है मिस रोज़ का ब्लशर और हल्का स्माइल करते हुए एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सफार का शेडो पैलेट और उसमें से ब्राउन कलर का शेड लेके अपने पूरे फेस की हल्की सी ब्राउजिंग करने वाली हूँ ताकि हल्का सा कलर ऐड हो जाए और हल्का सा टेक्सचर भी ऐड हो जाए मेरे फेस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हिलारी डोडा का हाइलाइटर पैलेट, उसमें से एक हाइलाइटर का शेड लेके और अपने पूरे फेस को हाइलाइटिंग करने के लिए यूज़ करूँगी एंड अपने फोरहेड पे टिप ऑफ द नोज ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और उससे मैं अपने आईब्रोज को
हाईलाइट करने वाली हूँ और फिर अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी लिपस्टिक और ये है शेड थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का है, हल्का सा बैंगनी कलर का टेक्सचर है जो बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको अपने लिप्स पे अपने लिप्स के शेप के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मेरा मेकअप यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। और मैं अभी यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ सिंदूर, क्योंकि सिंदूर के बिना ये मेकअप लुक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं सबसे पहले अप्लाई कर लूँगी अपना सिंदूर और मैं थोड़ा सा लंबा लगाऊँगी जहाँ तक मैंने लाइन दो सेंट पार्ट किए हैं तो वहाँ तक मैं अप्लाई कर लूँगी सिंदूर। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बिंदी और यहाँ पे मैंने रेड कलर की बिंदी लगा ली है और ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा इजी है करना, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया। और ये मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।